तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया, तुम शरनाई शरनाई आया, तुम शरनाई आया।
कश्मीर ने फाड़िया हुला है, ओ पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया, पंजरल कश्मीर से केंद्र मर्द चल कश्मीर दे। ओ पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है, ओ दो पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है।
भर के नीर दे क्यों इना डोले इना डोले गोद च लै दशमेश नूते गुर नौवे कहिंदे हिंदू धर्म दे गला क्यों है जंजू लेंदे जंजू लेंदे ऐसा कौन है पिता जी ऐसा कौन है पिता जी जो जंजू तोड़े भुल गया अकाल नू ओ मारे लोड़े करदा लोड़ा बैठ दिली दे तख्त ते भुल गया उरंगा वैद्य दीन दे लोड़ नू तोल गया उरंगा हाँ उरंगा धर्म बचावण वास्ते धर्म बचावण वास्ते कोई सोचो ही ला बादशाही दे मान दा कड देवो किला हाँ जी किला Thank you.
बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। सन्मान जो गुरु खालसा जी, एक बार सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लो हाजरी, आखो गज के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुख का अपने शरीर नाल बड़ा ही नेड़े का संबंध है। शरीरक तौर पर असी फिर गांह संबंध पैदा करते हाँ, मुढ़ला संबंध शरीर नाल। डॉक्टर वैद हकीम उन्हां कोल जाओ, वह राय दिंदे ने कि चंगा भोजन खाओ और पूरा भोजन सही जिहदे विच तत् होण उह खाओ, इस दे नाल शरीर रिष्ट पुष्ट रहेगा। तुहाडे खाने विच लोड़ी दे तत सारे होने चाहिए ने, जे किसी तत की घाट आ गई तो शरीर रोगी हो जाएगा। शरीर नू अरोग रखने लई, तंदुरुस्त रखने लई और पूर्ण भोजन सही भोजन की लोड़ है। जे कितें माड़ा भोजन छकिया जाए जो खराब होया हो तो फिर शरीर रोगी हो जाता है। रोगी होया शरीर कमजोर होगा, शरीर कटेगा। जिमें शरीर की लोड़ खुराक है और खुराक के नाल शरीर रिष्ट पुष्ट रहिंदा है, जिमें आत्मा की खुराक है चंगे विचार शुभ विचार। जे तुसी अपनी आत्मा नू चंगे विचार दिंदे हो तो आत्मा बलवान रहेगी, आत्मा महान रहेगी। उन भगत जन संत जन महान मनुख जिन्होंने असह कष्ट सहारे, सोचते हाँ कि वह किवें इन्ने कष्ट सहार गए, उसका मूल कारण है कि उन्होंने आत्मा इन्नी बलवान सी कि दुनिया दिते हुए कष्ट उन्होंने आत्मा लिए कुछ भी नहीं सन, क्योंकि आत्मा बलवान है। आत्मा बलवान होंदी है महान पवित्र विचारां नाल। तो जिथे शरीरक ताकत पूरी करने लई सानू खाने की बड़ी जरूरत है और चंगा खाना खाइए, उवें जिवें सानू आत्मा नू शुद्ध ते बलवान बनाउण लई सानू चंगे विचारां दी लोड़ है। गुरु पंचम पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ मुकम्मल कंप्लीट तैयार करके कहिंदे ने कि मनुखता लई इक असां इह पूर्ण थाल परोस दित्ता है, इहदे विच उह तत हन जिन्हां नू आहार करके आत्मा बलवान रहे।
तो गुरु पंचम पातशाह कहने ने एक परोसिया होया थाल गुरबाणी है। तो आओ आत्मा नूं महान बनाउण लई आपां चंगे विचार लैण वास्ते गुरु महाराज दे चरणां विच आए हां। जे माड़ा खाणा शरीर नूं रोग लाउंदा चंगा तंदरुस्ती बख्शदा है। इवें जिवें माड़े विचार मनुख दी आत्मा नूं रोगी बनाउंदे ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये पंज रोग मन्ने गए। इन्हां पंजां रोगां तों छुटकारा चंगे विचार चंगे शवश गुण छुटकारा कराउंदे। इसलिए असीं गुरु चरणां विच हाजिर हुंदे हाँ, नेक पुरशां दी संगत करदे हाँ तां कि साडी आत्मा रोग हो सके, बलवान हो सके। आओ हम स्रोते बन के गुरु पातशाह दे चरणां विच जुड़ बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास कल सुन रहे सी। धन हन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जुल्म दे नाल टकरा रहे ने, धर्म की राखी कर रहे। बाई धार दे राजियां नूं हार होई क्योंकि सैर खान गुरु गोबिंद सिंह दे चरणों दे चुगे। बाई धार दे राजियां ने यह खबर औरंगजेब नूं पहुंचा दित्ती। जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह ते बाई धार दे राजे आपो विच ही लड़दे रहे, औरंगजेब बादशाह संतुष्ट सी इस विच। आम ही राजियां दीआं नीतियां हुंदियां ने, जां इहो कह लो कि केंद्रीय सरकार दी इह नीति है कि जे सूबे अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई विच उलझे रहन ते केंद्र सुरखरू है। पर जदों कदे केंद्र नूं खतरा होवे फिर केंद्र चकन्ना हुंदा है। जदों बाई धार दे राजे गुरु गोबिंद सिंह दे मुकाबले उत्ते हार गए, इन्हां हारिया होया ने अपनी हार दे कारण औरंगजेब कोल दसे कि उसकी ताकत बढ़ रही है, जिसनूं शायद तुसां जाणिया नहीं, वह गुरु गोबिंद सिंह अजित बनदा जा रहा, जितया नहीं जाएगा। औरंगजेब ने हुक्म दे दिता, दिल्ली तो बड़ा पारा लश्कर, सूबा सरहंद वजीर खान और लाहौर का सूबेदार, चौणवीं रियासतां, इन्होंने आन पाया आनंदपुर नूं घेरा, लगातार घेरा पिया रहा। एक दिन वक्त आ गया जबकि अंदरों राशन मुक गया, कीमती जाना भुख दे दुखों चल वसियां। गुरु महाराज जी का प्यारा प्रसादी हाथी और नीला घोड़ा भुख दे दुखों जान प्राण ते आ गए। पुत्रां तो प्यारे सिंह शहीद हो गए भुख दे दुखों। मजबूर होकर गुरु महाराज नूं 1704 ईस्वी नूं आनंदपुर का किला छड़ना पिया। सरसा दरिया के किनारे उत्ते कसमां ते सगंधां नूं छिक्के टंग के मुगलिया सैना ने गुरु गोबिंद सिंह ते धावा कर दिता। एक पासे सरसा दी लहरां, एक पासे जुल्म दी लहरां, एक पासे दरिया का तूफान, एक पासे मुगलिया हकूमत का तूफान, अकाल का पजारी गुरु गोबिंद सिंह दोनों ने टकरा के अपनी मंजिल वल वध रहे। सरसा दरिया के किनारे उत्ते परिवार खेरू खेरू हो गया। कुछ गिणती दे सिंघां दे समेत गुरु महाराज अज चमकौर दे कच्चे कोठे विच आण बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जिंदगी विच किनारा लाया, दुनिया दे लोकां ने उसका मखौल उड़ाया सी कि यह नारा ते यह सुपना गुरु गोबिंद सिंह का पूरा नहीं होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुनिया के मंच ते खड़ो के कह दिता सी कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं। चमकौर दे कच्चे कोठे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आन बैठे ने, मगर लगी आ रही है मुगलों की फौज, टिटी दल का घेरा पै गया इस कच्चे कोठे नूं घेरा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने आखे आया खालसा पंथ, अकाल दे पुजारी
मैं तेरे माण उत्ते भरोसे उत्ते दुनिया विच गल कह दित्ती कि 1,25,00,000 से एक लड़ाऊ, अज मेरे इस सुपने नूं चमकौर दे मैदान विच पूरियां कर दे। गुरु गोबिंद सिंह दे इह ख्याल सुन के उन्हां 40 या 41 मर जीवड़ियां ने जिवें अपने आप नूं मौत दा मुकाबला करन लई तैयार कीता, ओह वार तां मेरे साथी है क्यों कही जा रही है। Thank you.
ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਗਲ ਬਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 41 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 44। 44 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਔਰ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਿਉਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ 23 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਪਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਔਰ ਲੰਕਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੈਰੂਤ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50,000 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 40,000 ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 25,000-30,000 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,00,000 ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 44 ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ,
डौंडी पिटरे इस कच्चे कोठे नूं घेरा पा के इहदियां चारां दिशावां तों वख-वख जरनलां ने इस नूं संभालिया है। एक पास्यों नहर खां अगे बधरे, एक पास्यों गनी खां अगे बधरे, एक पास्यों खवाजा खिजर खां अगे नूं बधरे, एक पास्यों वजीर खां इक तूफान लैके अगे नूं बधरे। चारे दिशावां तों इह तूफान उठिया और वजीर खां दे हुक्म नाल डौंडी पिटी गई। वजीर खां ने एक चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी नूं तीर नाल बन्न के इस कच्ची हवेली दे अंदर बार सुटिया। इस उत्ते लिखिया होया सी, ऐ गुरु गोबिंद सिंह, हुण तू आनंदपुर दे किलियां विच नहीं, पहाड़ां विच नहीं, तेरे कोले फौजां नहीं, मनीष नहीं, गिणती दे तेरे नाल तेरे साथी सिंह हन, मारिया जाएगा जे मुकाबला कीता। मेरी सूबा सरहंद वजीर खां दी रह है के हार मन लै, हथियार सुट दे और मुआफी मंग लै, शायद औरंगजेब तेनू मुआफ कर दे। नहीं, बच नहीं सकेगा। पंथ दे बाली अकाल दे पुजारी गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तर दिता, वजीर खान इसे ही तरीके ने उत्तर दिता गया, वजीर खान तेनू किलिया ते माण, फौजां ते माण, मनीषन ते माण, हुकूमत ते माण, जोर ते माण है, पर शायद तेनू तू नहीं जानदा कि मैनू किस चीज उत्ते माण है। मैनू अपनी अकाल दे चरणां विच कीती हुई अरदास ते माण है और तेरी जुल्म दी ताकत मैनू हरा नहीं सकेगी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आखिया, मैनू निश्चा है जुल्म दे मुकाबले उत्ते धर्म दी जित होवेगी। वजीर खान धर्म जुल्म दे मुकाबले दे कदे भी नहीं हारदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक अरदास सी, असी भी अरदासां रोज करते हाँ, बड़ियां लबेरियां लबेरियां करते हाँ और इन्नी लबेरी अरदास कर दिंदे हाँ, पर गुरु गोबिंद सिंह ने एक वक्री ही अरदास की। जिस अरदास उत्ते उन्होंने अपने जीवन तोरिया ते टिकाया, अरदास की सी, देह शिवा पर मोहे एह, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं, ना डरूं अर सो जब जाय लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। वजीर खान मैनू निश्चय है, यकीन है कि जित अवश्य होवेगी, मैनू किलिया उत्ते माण नहीं और रिजल्ट मैदान विच ही निकलेगा। मुड़ तो लैके अज तक यह गल का निर्णय हो चुके है, जिथे कदे भी बहु गिणती होवे ना, वह घट गिणती के चंगे ख्यालों भी मनने लिए तैयार नहीं, उन्होंने हंकार होंगे। फिर वह वक्त जो रजवाड़ा शाही सी, बद गिणती उंजी ही हंकार है, बस असी दस बंदे गए, वह कला बंदा अंदर घेर लिया, कुट के हुण आ जाने, यह हंकार है। दस लख दे मालक नूं हंकार है, फिर मुठ्ठी पर गिणती दे आगूआं नूं, गिणती दे साथियों नाल लैके उन्हां दा आगू यह गल कह रहा है, निश्चय करे अपनी जीत करूं। एक चैलेंज है साडे लई, बहु गिणती नूं एक बंगार है, ललकार है। वजीर खान की तैयारी हो गई, धावे होण विच कोई देर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह ने फिर आखिया, ऐ खालसा पंथ, अज वक्त आया मैदाने जंग विच, अज तुसा कौम लई एक परचा हल करना है। जे अज ये परचे चो तुसी पास हो गए तो कौम पास हो जाएगी, जे अज तुसी फेल हो गए तो कौम फेल हो जाएगी। कई बारी ऐसा होंदा है, कौम दे आगू कई बारी कौम की किश्ती किनारे ला देंदे ने, कई बारी किश्ती डोब दिया करदे। अज कई बारी पुस्तकां पढ़ते पता लगता है कौम चुर रही है, कि संताली मौके शायद कौम दे लीडरां ने कुछ ना सोचिया तो अज किन्नियां कुर्बानियां हो रही, किन्ने दौर चल रहे और सिख पंथ किन्ने पीढ़िया चक्कर भी दी लंघ रही। गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, ऐ खालसा पंथ, बस अज चमकौर के मैदान विच
मेरा कीता होया वादा पूरा कर दियो, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तवा गोविंद सिंह नाम कहो। जब इनी गल आखी खालसे ने एक जवान होके आखिया, गुरु गोविंद सिंह जी हो पादशाह, सिख ते है ही तेरे, साडा मन भी तेरा है, तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, बस तेरे हुक्म दी लोड़ है। ते कुछ चीजा हन मनुख दियां, तन मनुख दा है, मन मनुख दा है, और धन मनुख दा है। धन कुर्बान किया जाता है क्योंकि धन कमाया जाता। कई बार असं तन भी कुर्बान करते हैं, और कुछ चिर लई ड्यूटी काम ते जाने हुण चिर तन कुर्बान है। तन देना भी सिखाला है, तन देना भी सिखाला, पर मन देना बड़ा औखा, बड़ा औखा है मन देना। अपनी रीझा, अपन सोचा, अपनी विचार किसी की झोली विच पा देनी है बड़ी औखी है। तो सिख कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साड़ी ते कोई सोच ही नहीं रह गई, साड़े विचार ही कोई नहीं रह गई, ना जीवन की ना मरण की, साडा कोई अपना सुपना ही नहीं। जो सुपना साडे गुरु का वो साडा सुपना है, जो रीझ साडे सतगुरु की है वो साडी रीझ है। सतगुरु आप हुक्म देवो, गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या खालसा जी फिर तैयार हो गए। लो गुरु गोबिंद सिंह का खालसा हुण अपने आप नूं तैयार कर रहे, हुण तैयार करना करना, कोई बाहरी मोर्चेबंदी नहीं करन दी लोड़। अंदर किला है, यह छोटी जी हवेली है, मकान है, कच्चा कोठा है, ते बाहरले बन्ने फौज खड़ोती है, कोई बारा कोले मनीषन नहीं जिहड़ी तैयारी करनी है। हुण तैयारी कास्ती करनी सी, तैयारी करनी है सिर्फ मन दी, मन नूं तैयार करना, मन पक्का बनाउणा है, तैयार करना है। मन इस गल ते आ जाए कि निश्चय करे अपनी जीत करूं, फिर मन का नाल तैयार होवेगा। जे हथियार तिखे करने ते सांट कोरियां नाल तिखे होणगे, ते जो सिंह ने मान बनाउणा है, तैयार करना है, कुरबानी करन लई, फिर गुरबाणी दे साण ते मन लाउणा पैंदा है। अपने मनां नूं जिवें इस कच्चे कोठे विच बैठा खालसा पंथ तैयार कर रहा सी और अलाही बाणी पढ़ रहा सी, वह बाणी दे बोल मेरे साथी इउं आखी जा रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਆੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਹੀ ਨਗਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੀਆਂ ਉਸਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਥਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16,000 ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੇ ਸਨ, ਮਨੀਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਸੀ। 16,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਖਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ 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 ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਰਲ ਚਰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ
और गिनती दे नाल सिंगां नूं लै के कह रहे है निश्चय करे अपनी जीत करो। कलंगी तरदे बहादुर अंदरों बैठे तीर चला रहे हैं, मुड़ रही कतारा दे सत्थर बिछ रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसे ने आख्या दतार पातशाह शेर के दर उत्ते आके कितने गिद्दड़ पंगारे फिर शेर अंदर बैठा रहे, तुसा सानू सिंह बनाया शेर बनाया की हुक्म है आपका? हां फिर खालसा जी मैदान में नित्रो सतारा सिंह चमकौर दे मैदान में नित्रे, सतारा मर्दा वांगू लड़े सूरमिया वांगू लड़े ने, एक पासे 10 लाख एक पासे गिणती दे कुल 17, अनोखा ही मुकाबला। पर जानबाज ये सूरमे सरला चित्र नूं पै रहे ने, दुश्मन दे सत्थर लै रहे ने, इन्हां दे अंदर जान दी ते परवाह नहीं, इन्हां दे मन विच इक्को ही चाह है कि असी किन्नियां दे सर लाउंदे हां, किन्नियां नूं पार बुलाउंदे हां, किन्नियां नूं मार के मरते हाँ अगे वधे जा रहे। एक एक दे अंदरों किन्ने ही तीर पार हो गए, पुरजा पुरजा होके सूरमे धरती ते टह पए, 17 बहादुर शहीद होए। तो कलगी तरदा वड्डा सपुत्र साहब अजीत सिंह जी रण भूमि दे इस वीर दर्शन तक रहे सन, दौले फरके खून विच जोश आया, पाया गल विच पल्ला, जोड़े दोए हाथ पिता दे सामने चकाया सीस, मैदान जंग जान दी आग्या जिवें साहब अजीत सिंह ने मंगी, ਉਹ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗਾ।
सामने खड़ोता पुत्र पिता के चरणों में सिर झुका के आग्या मंग रहा सी, पिता जीओ मैनू मैदाने जंग जान की आग्या दिती जाए। दुनिया का इतिहास इत्थे आके खड़ोंदा एक बार, जे किसी का पिता शहीद होया शायद पुत्र नहीं, जे पुत्र शहीद है तो पिता शहीद नहीं। कदे वक्त आया सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता नूं तोरिया सी और हसके तोड़ दिता सी, मैं जतीब होवां मैं रुल जावां पर भारत आबाद हो, ये दुखियां लोकां दुख वंडे जाण। इउं कह के मुस्कुराउंदे होए अपने पिता नूं तोड़ दिता सी। अज फिर पुत्र आ गया मंगे, पिता जी मैनूं मैदाने जंग जाण दी आग्या दिओ। जंग जानती ही नहीं, जंग लड़न ही दी लड़ती ही नहीं, जंग में शहीद हो जान दी आग्या दे। पिता दे सामने एक मसला है, अपन तां कुछ चीज ऐसी हुंदी है जदों अपनियां नूं कोई दुख होवे उदों आत्मा आम करके दुख ज्यादा महसूस करती है। आम कहावत हैगी अखाण है, किसी के घर अग लगी बसंतर ही दी, पर जो अपने लगे तो फिर पता लगता है। बगाने पुत की मौत कुछ होर है, बगाने लोगों की लड़ाइया तो जंगा युद्ध सुन लेना कुछ होर है। ताने लोगों का यह विचार है कि जिन्हें किसी दोस्त नूं जंग वल तोरिया जा सकता है, जिमें किसी मित्र जंग वल तोरिया जा सकता है, उन्हां विचारां नाल कदे पुत्र नहीं तोरिया जाता। जिन्हां विचारां नाल किसी दोस्त या मित्र की मौत सुनी जा सकती है, उस अराते नाल कदे पुत्र की मौत नहीं सुनी जाती। पर धन है गुरु गोबिंद सिंह अपने वड्डे पुत्र की गल सुन के आख्या, साहब अजीत सिंह मैं खुश होया चन, तेरे शहीद होने नाल मेरी कीती अरदास पूरी हो जाए। पिता कह रहे अपने पुत्र नूं कि तेरे शहीद होने नाल मेरी एक अरदास पूरी हो जाएगी। मेरे लाल जदों मेरा पिता शहीद होया लोगों ने मैनूं सत्कार दिता कि गोविंद राय एक शहीद पिता का पुत्र है, जब तू मर्दा वांग जूझेगा जब तू शहीद होवेगा और कल वाले लोग मैनू शहीद पुत्रां दा पिता कह के भी चेते कर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन संबंध में कुछ किताबां लिखिया, उन्हां विच एक साखी आम करके मिलती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कदे आनंदपुरी की धरती अंदर सन, सोहना सजिया होया दरबार तो एक गुरु पातशाह जी के दरबार में जिथे सिख संगत बैठिया ने, इतने गुरु महाराज के सज्जे चारे साहबजादे सोहनिया वर्दियां सोहनिया दस्तारा सोहनिया निक्किया निक्किया कलमियां सजा के बैठे। इस संत नूं पहले पता लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह गृहस्थी है, उहदे मन में एक दुविधा पैदा हो गई भी गुरु की ते गृहस्थी की, नाले पीरी फकीरी नाले फिर ग्रस्त। मन में शिकवा सी पर गुरु गोबिंद सिंह की उस्त भी बड़ी सुनी सी। जो सामने दरवाजे के कोले आया तो तकिया तो गुरु गोबिंद सिंह के इर्द गिर्द चार साहबजादे बैठे। मन में भुलेखा जहा पैदा होया तो इन चौकदार पहरेदार नूं पुछिया कि ओ जो गुरु गोबिंद सिंह के सज्जे खब्बे चार बच्चे बैठे ने राजकुमार जापते ने, ये किस रियासत मालक के राजे के पुत्र हैं। सेवादार ने सिर झुका के आखिया, संत जी ये किसी राजे के पुत्र नहीं, यह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चारे ही साहबजादे। संत दे अंदर होर भी भुलेखा खड़ा हो गया, गुरु गोबिंद सिंह ये गृहस्थी के चार पुत्र एक नाथ
चार पुत्रों का प्यो आण चुकाया गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में सीस, पर शंक अजे भी मन विच है। सिर चुकाया बैठन लगे आ, गुरु महाराज ने बड़े आदर नाल बिठाया, आओ संत जी बैठो। गुरु गोबिंद सिंह ये चारे पुत्र आपदे ने, शिकवा है अंदर, एक सवाल कीता है, पुछ रहे हैं, पर अंदर सवाल है कि ये चारे पुत्र आपदे ने। सतगुरु एक अनोखी जी गल कह दी, आख्या हां संत जी, ये चारे पुत्र दास नू रब ने दात बख्शी और मैं चारे पुत्र रब को झोली अड के मंग के लाए। संत ते अंदरों तड़प उठे, ये गुरु ते पुत्रां लई कहिंदा मैं चार पुत्र रब को मंग के लाए ने, कोई झोली अड के मंग के लाए ने, इन्नी पुत्रां दी भुख। सतगुरां ने आख्या संत जी अपने मन का भुलेखा दूर कर लो, मैं जान लिया तुहाडे सवाल नू। संत जी हुण ये भी सुन लो कि चार पुत्र क्यों मंगे। संत जी कदे पिता शहीद होया सी, लोगों ने मान दिता ते मन विच करदास एक भावना पैदा हो गई सी, कदे वक्त आवे वाहिगुरु पुत्र देवे, कदे कौम तो जिवें पिता तोरिया सी कदे पुत्र भी कुरबान कर सकन। ये पुत्र चारे कौम तो कुरबान करने ने, धर्म तो कुरबान करने ने। तन है गुरु गोबिंद सिंह कह रहे ने, बेटा जो वक्त आ गया जब तू मदाने जग विच मर्दा वांग जूझ के शहीद हो जाए। कलंदी धर दे पुत्र ने तैयारी की, अठां बहादुरां नूं नाल लिया, अठां दा योधा जरनैल ए आगू बने साहब अजीत सिंह, तैयारी करके पिता दे सामने आण खड़ोते। अंत दी अरदास गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप की थी, है वाहिगुरु पुत्र आ रहा मैदाने जंग विच, इहनूं शहादत दा जाम बख्शना, इसनूं मर्दां वाली मौत बख्शनी, ये अरदास एक पिता दी है। ये मर्दां वांगू शहीद होवे, तीर बरशियां नेज़े इहदी छाती विच वज्जण और दुश्मन वल्लों अग्गे होके डिगे और कदे पिछे ना मुड़े। अरदास समाप्त होई, अंत दी बार पिता ने अपने पुत्र नूं घुट के हिक ना लाया, पुत्र ने पिता नूं सिर झुकाया। आखर दी बार भौ के रच के पुत्र ने अपने पिता वल तकिया ते पिता ने अपने पुत्र वल तकिया, बस मिलनी समाप्त हो गई। ताईयां अठां बहादुरां ने घोड़ियां ते काठियां संभालिया, हथा में तलवारा, चमकौर की हवेली का खुलिया दरवाजा, सामने दल खड़ोते ने दुश्मन के, दुश्मन दियां दीवारां खड़ोतियां ने, पर की शेर भी कदे गिदड़ां देख के डरे ने, कदे शी जंगली बुकनो रहिंदे ना होड़े, कदे बहन पछा दरियावां दे जांदे ना मोड़े, जे बन किसे ने मार ले उन्हां बन्ने तोड़े, और जिन्ना फक्की बा आकाश दी आवाजा नचोड़े, जे पाए किसने पिंजरे ओना मारे लोड़े, जे सीखा टुट ना सकियां ओना खंभ त्रोड़े, हो जान गुलाम जे सूरमे दर रेंद न थोड़े, सूरमे करे गुलामी पसंद नहीं करया कर दे, ओ मौत नूं तरजीह दिया करदे ने। अठां बहादुरां दा आगू साहब अजीत सिंह होके घोड़े ते सवार, सब के हत्थां विच हथियार, छड के सस्री अकाल जकारे और 10 लख बिरद तावा है, यो बोल रहे भाई।
कौर दे मैदान अंदर साहब अजीत सिंह जी लखां दे मुकाबले ते लड़ रहे ने। कि दुश्मन नाल मुकाबला सी क्यों जापदा सी जिवें अज मौत नाल मुकाबला हो रहा हो, जिवें अज काल नाल मुकाबला हो रहा हो। मौत खड़ो खड़ो के पासियां तों घुम घुम के इस योधे नूं सूरमे नूं तक रही सी। अज मौत भी मोहत हुई, मौत भी बाहर ने जा रही सी। आम करके मौत मनुखां नूं मारदी है, सिर्फ पहाड़ा ढोंदी रहिंदी मजबूरन। पर जदों कितें इहो जिहे मर्द मैदान विच आउंदे ने तो मौत उन्हां नूं लाड़े बना के वरदी। साहिब अजीत सिंह मर्दां वांग रणभूमि विच लड़े, सैकड़िया की अपनी तलवार की धार तो पार करते हुए, सैकड़िया के तीर तलवारों अपने सीने में थान देंदे हुए अकाल अकाल गजाते आखिर चमकौर के मैदान विच पुरजा पुरजा होकर टह पाए शहीद हो गए। चमकौर के कच्चे कोठे विच उपरली छत उत्ते खड़ोता पिता गुरु गोबिंद सिंह तक रहा सी पुत्र नूं शहीद हुंदे आ। जदों पुत्र दे टोटे थले डिगे और पुत्र दे सीने विचों वर्षियां पार होईयां, पिता दे नैणां विच आंसू नहीं आए, चेहरे ते कोई ऐसा चेहरे दा रंग नहीं बदलिया जो महसूस हो सके कि गुरुदेव घबरा गए। सतगुरां अकाल पुरख परमात्मा दा रज के शुकराना करदे हुए जकारे गजाए, धन है गुरु गोबिंद सिंह जिसने भारत की इस कमजोर जनता नूं महान बनाउण लई अपने पुत्रां नूं अखां दे सामने कुरबान किया। बाकी रहिंदा प्रसंग कल दे दीवान विच फिर कहण दा जतन करांगे। इन्हां कुछ कहिंदे होए खिमा दे जाचक इतिहास कहिंदे आ अनेकां त्रुटियां हो गईआं होणगीआं, आप खिमा करोगे। जिन्हां संगतां वल्लों बेअंत माया आई कीर्तन दा सत्कार